हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? बढ़िया। तुम लोग तो ऑलवेज हैप्पी ही रहते हो, बिंदास ही रहते हो। ठीक है, चलो कोई ना, अपना आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर क्लास 11th का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन चल रहा है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। है ना, मीन्स घर में कैसे देसी तैयार करोगे ना, दादी माँ के नुस्खे बताता हूँ आज। ठीक है, कैसे घर पे अल्कोहल कैसे बनाओगे, है ना, पौआ का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम लोग घर में। ठीक है, आज हम लोग उसी का मेथड सीखेंगे। राइट, सो यहाँ पे है अपना हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, है ना। अब देखो, वैसे मैं बार बार कहता हूँ, कोई रिएक्शन क्लास 11th और क्लास 12th नहीं होता ऑर्गेनिक में। ठीक है, 11th में भी है और ये 12th में भी आएगा जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे। यहाँ पे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन, और सेम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th में अल्कोहल चैप्टर में, है ना। वहाँ पे ये कहाँ पे पढ़ोगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ोगे। ठीक है ना, सो अगर क्लास 11th में अगर अच्छे से पढ़ लिया तो फिर 12th में क्या करोगे, बिल्कुल ही चिल्ली मारोगे। ठीक है ना, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ H2O, क्लियर है ना। तो कहता है कि अगर तुम एल्कीन अगर लेते हो, ठीक है, और इसमें अगर तुम पानी डाल देते हो, क्या डालोगे, पानी, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, और वो एसिड कौन सा होता है, H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाता है वो होता है तुम्हारा क्या, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, पौवा चढ़ा के आई, देसी देसी बन जाता है ना। तो अगर तुमको घर में अगर अल्किन बनाना हो तो क्या करोगे, सॉरी, अल्कोहल अगर देसी घर में बनाना है तो क्या करोगे, देखो, एक अल्किन ले लोगे, उसमें पानी डालो और थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दो, तो बन जाएगा क्या, यहाँ पे देसी पौवा का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज द अल्कोहल। ठीक है, तो बना लोगे ना आराम से, सीख गए तो तुम लोग घर पे ट्राई करना है इसको बनाने का। ठीक है, जब भी अगर पौवा मारने का मन करे तो घर पे बना लेना। अरे मजाक कर रहा हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, बस एग्जामिनेशन इन्फॉर्म करना, घर पे ट्राई मत करना। ठीक है, कहाँ से लाओगे अल्किन वाटर एंड ऑल दिस। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, बात करते हैं हम लोग अल्किन। तो बेटा बस याद रखना है यहाँ पे कि अल्किन से अल्कोहल का फॉर्मेशन अगर करना है तो उसमें वाटर डालोगे डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, और वो एसिड होता है क्या, अपना H2। क्लियर है ना, तो सिंपल है। यहाँ पे देखो रिएजेंट यहाँ पे क्या यूज होगा, इसमें रिएजेंट क्या यूज याद रखोगे, या तो यहाँ पे H2O और H2SO4 ऐसे लिखा रहेगा, डाइल्यूट H2SO4 होता है। ठीक है, या फिर तुमको लिखा रहेगा H2O H+ आयन। तो H+ आयन कहाँ से आया होगा बताओ, H2SO4 से आया होगा ना, तो ये रिएजेंट याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, ये देखो इसका नाम क्या होगा, इथीन। क्या नाम है यहाँ पे, इथीन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो H2O और यहाँ पे H2SO4, नहीं तो मैं इस तरीके से डाल दिया H+ आयन। तो आपको क्या समझना है कि ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, मीन्स अल्कीन में पानी डाला जा रहा है एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो इथीन है, तो इथीन से यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH2OH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा, बिंदास होके कर लिया ना। देखो अल्किन यहाँ पे क्या डाला हमने, वाटर, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, फॉर्मेशन क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो मैं इसका डिस्कस करता हूँ क्या मैकेनिज्म, कि कैसे यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, अब देखो बड़े प्यार से समझो, बहुत इजी है और इसका मैकेनिज्म सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा बेटा नीट और जेई में, तो वहाँ पे आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। ठीक है, अगर मैकेनिज्म नहीं आता तो आप वहाँ पे सवाल में क्या अटक जाओगे, क्या हो जाओगे, लटक जाओगे। ठीक है, ये सवाल तुमको क्या करेगा, पटक देगा। ठीक है ना, तो देखो अब इसकी मैकेनिज्म मैं बताता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने यही रिएक्शन लिया ना, यहाँ से क्या ले लिया, देखो H2SO4 H2O ले लिया, और यहाँ पे क्या डाला था, H2SO4, प्रोडक्ट अपना बना था CH3CH2OH। ठीक है ना,
लेक्चर के बाद ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, हाइड्रेशन होगा, लेकिन का आपसे सवाल ना बनेगा, अरे 100% बनेगा। मैं कह रहा हूँ ना, हर एक चीज़ सिखाऊंगा, स्कूल में कैसे लिखोगे, एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, मतलब कॉम्पिटिटिव में वहाँ पे कैसे करोगे, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद तो तुम बिंदास हो जाओगे, ठीक है। जरा देखो बेटा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे H2SO4 का काम क्या होता है। H2SO4 का काम हो गया H+ और HSO4- आयन में टूटेगा, मतलब ये एक एसिड है तो वो क्या करेगा, H+ आयन देगा। दे दिया यहाँ पे H+ आयन, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे इस H+ आयन का क्या काम होगा, CH2। सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, H+ आयन आएगा। कौन आएगा यहाँ पे, H+ आयन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे बच्चे, कि जैसे अगर कोई रिएजेंट आएगा तो ये पाए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फड़फड़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये इसके पास जाना चाहेगा, मतलब यूं समझ जाओ कि ये पाए इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आया तो ये है ना, इसको कुछ कुछ होने लगता है। किसको, इस पाए इलेक्ट्रॉन को कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है किसको, इस पाए इलेक्ट्रॉन को। तो ये पाए इलेक्ट्रॉन देखो जंप करके यहाँ पे उठ के चला गया, क्लियर है बेटा, बोलो। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, तो या तो इस पे जंप करके जा सकता है, नहीं तो इसके ऊपर जंप करके जा सकता है। तो अगर इसके ऊपर जंप करके चला गया तो इस पे हो जाएगा क्या, माइनस, और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, बोलो, प्लस चार्ज हो जाएगा। क्यों प्लस, इसलिए कि प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों हो गई, क्योंकि ये जो पाए इलेक्ट्रॉन है ना, इसका दिल दुखा के इससे देखो दूर चला गया, यहाँ पे आ गया। तो यहां पे देखो माइनस हो गया और यहां पे प्लस हो गया। तो H प्लस तो देखो एक खुद का भिखारी है ना, बोलो, H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये भिखारी किसके पास जाएगा बताओ, इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी भिखारी है इलेक्ट्रॉन की कमी, ये भी भिखारी है इलेक्ट्रॉन की कमी, और एक भिखारी दूसरे भिखारी के घर का डोरबेल नहीं बजाएगा, ठीक है ना। अगर इसको पहले से पता, ये पहले से भिखारी है, इसको अगर पहले से पता हो ये मेरे से भी बड़ा भिखारी है, तो ये इसके पास नहीं जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसको कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा, तो उसके साथ चिपक जाएगा वो जा करके। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 हो गया, और इसके ऊपर कैसा हो गया बेटा, CH2+ चार्ज हो गया। अब देखो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, पहला स्टेप क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे ये देखो क्या हो गया आपका, कार्बोकेटायन हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में कौन आएगा पिक्चर में, तो वाटर आएगा। देखो यहाँ पे CH3 CH2 ये हो गया देखो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, H2O इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है, ये बात सबको पता है। तो यहाँ पे वाटर इस लोन पेयर की वजह से कैसा बिहेव करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल का जैसा बिहेव करेगा। अब जरा देखो मिक्सचर में वाटर भी है और HSO4- भी है, ध्यान से देखना, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है, और जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। मतलब दोनों न्यूक्लियस लवर है, दोनों लविंग है, दोनों न्यूक्लियस लविंग है, और न्यूक्लियस मेरा यहाँ पे क्या देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे बंदी तो देखो एक ही है ना, बंदा दो दो है, ध्यान से देखो है ना। मान लो कि अगर बंदी एक ही है और बंदा दो है, ठीक है, तो ये बंदी किसके साथ जाएगा, है ना, जस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग समझो यहाँ पे, ठीक है। अगर ये बंदा, बंदी एक है, ये है तुम्हारी बंदी, और ये है बंदा, बंदा ये भी क्या है, बंदा, ठीक है। बंदी एक ही है, बंदा दो है, ये भी अपना इम्प्रेस करने में लगा है, ये भी अपना देखो इसको इम्प्रेस करने में लगा है। तो बंदी के पास मजबूरी है ना, वो किस बंदे के पास जाए, उसमें क्या जो राइट होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर इसके पास चॉइस है ना, दोनों में से एक को पिक करो, तो क्या होगा, दोनों में जो बिल्कुल परफेक्ट होगा ये बंदी उसी के पास जाएगी। बोलो हाँ जी ना जी, बोलो हाँ जी ना जी, बोलो बोलो बोलो। तो अगर मान लो कि अगर बंदी, मान लो कि ये H2O है अपना और ये HSO4- है मान लो, ठीक है। अब ये दोनों, इसको ये जो CH2+ है, इन दोनों को क्या है, इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ है ना, कौन जाएगा, बिकॉज बोथ आर एलिजिबल, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास कौन जाएगा, क्लियर है। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो ज़्यादा क्या होगा, परफेक्ट होगा, मिस्टर परफेक्ट, वही इसको अप्रोच करेगा, क्लियर है ना। तो मान लो कि ये अगर इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर ले, एक के पास जाना है ना, तो अगर मान लो कि ये इसके पास जाएगा, इधर इधर पैचअप हो जाएगा,
ठीक है, और इसको पहले से पता चल गया, इसको पहले से पता चल जाए कि ये बंदे मेरे पास आने वाले नहीं है, ठीक है, तो जब ये बंदी इसके पास जा रही थी, इसको क्या बोलेगी, एक्सक्यूज मी भैया, यही तो बोलेगी ना, एक्सक्यूज मी भैया, बड़े बेटा का दिल ही टूट जाएगा इसका, अरे हार्ट ब्रेक हो जाएगा इसका अगर इसने बोल दिया एक्सक्यूज मी भैया। किसी लड़के को एक्सक्यूज मी भैया बोल दो ना, पता नहीं पागल हो जाता वो, ठीक है। अब ये देखो, अगर जैसे इसको एक्सक्यूज मी भैया बोलेगा, है ना, ये तो दिल टूटेगा ना इसका, लेकिन इसके एक्सक्यूज मी बोलने से पहले ही ये उसको बोल सकता ना, बहन थोड़ा साइड देना, ये बोलकर अपने दिल को टूटने से बचा सकता है ना वो, इसके बोलने से पहले ही अपना क्या बोलेगा, बहन थोड़ा साइड दे, अपना साइड निकल जाएगा कि मैं रेस में नहीं हूं, तू जा इसके साथ। बात समझ में आ रही ना? तो देखो यहां पे, वैसे यहां पे ये दोनों न्यूक्लियो फाइल है, ये पावरफुल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रांग हो जाएगा, और ये हो जाएगा वीक। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इसके ऊपर तो माइनस चार्ज है, और यहां पे ये देखो वाटर है, वाटर न्यूट्रल है, तो नेगेटिव वाला तो ज्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियो फाइल होगा ना। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझे हो, लेकिन देखो HSO4- अगर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रेजोनेंस करेगा ना, ये देखो OH है और यहाँ पे हो जाएगा O-। अब ये देखो नेगेटिव चार्ज इधर रेजोनेंस में लग जाएगा, देखो दिख रहा है ना रेजोनेंस में, बट वाटर में ये जो लोन पेयर है ना, वाटर में ये ऑक्सीजन के ऊपर बिल्कुल बैठा हुआ चिपक के लोकलाइज्ड है, वो कहीं घूम नहीं रहा है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज क्या मोबाइल है, एक जगह स्थिर नहीं है, ये यहाँ पे गया यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, मतलब वो रेजोनेंस में क्या हो गया, पार्टिसिपेट कर लिया, डीलोकलाइज्ड फॉर्म में है। बात समझ में आ रही ना? तो दोनों यहाँ पे न्यूक्लियो फाइल है, बट तगड़ा वाला न्यूक्लियो फाइल यहाँ पे कौन हो जाएगा, वाटर, और वही क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये बेटा रेस से क्या है, ये बाहर हो गया, है ना, बहन थोड़ी साइड दे बोल के ये अपना बाहर निकल गया, क्योंकि खुद मालूम है कि हम इसको इंप्रेस नहीं कर सकते, है ना, क्लियर है, बोलो बिल्कुल क्लियर है ना, बोलो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसने इसको पहले ही बोल दी एक्सक्यूज मी भैया, ठीक है, चलो बोल दे, इसका काम तमाम हो गया। अब देखो वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, देखो अपना लोन पेयर इसको दे दिया, बोलो हाँ या ना, अब ये क्या बन जाएगा, CH3CH2, और यहाँ बन गया OH2, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया ऐसे, है ना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस कार्बन को बेटा दे दिया, ठीक है। तो देखो ये इसका नाम होता है क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्या नाम हो गया इसका, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया, मतलब यहाँ पे देखो प्रोटोनेट हो गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल इसको बोलते हैं हम लोग। एंड तीसरा पार्ट में क्या आएगा, तीसरे पार्ट में क्या आएगा, देखो CH3CH2OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब देखो इसका भी तो कुछ काम होगा ना, अब यहाँ पे ये HSO4- आयन आएगा, और ये कैसा काम करेगा भाई, बेस के जैसा काम करेगा, और जैसे ये बेस के जैसा काम करेगा, तो बेस को क्या पसंद होता है, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस को क्या पसंद होगा, बेबी, और बेबी कौन, तो H+ आयन, केमिस्ट्री का बेबी कौन होता है भाई, H+ आयन होता है, तो यहां से H+ आयन निकल जाएगा, और ये यहां से H+ को निकालेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और यहां पे देखो प्यारा सा देसी पौआ का फॉर्मेशन हो गया अपना, देखो दिस इज द ब्यूटीफुल इथाइल एल्कोहल, ठीक है, पानी मिलाओ, सोडा मिलाओ, जो मर्जी मिलाओ, इसमें घटक डालो, ठीक है। तो ये देखो अपना इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, तो एग्जाम में घटकना इसको, ऐसा नहीं घर पे तुम लोग शुरू हो जाओ, गलत बात है, ठीक है, जैसे पेपर में आएगा उसको फटाफट अपना क्या काम तमाम कर लो बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका बहुत तगड़ा वाला भी एप्लीकेशन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना, मस्त सा बिल्कुल, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, अब मिटाता है इसको, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या हो गया, तीन स्टेप में रिएक्शंस हो गया, पहला क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और फिर क्या करता है, डीप्रोटोनेशन, क्योंकि H+ को आपने यूज किया था एज ए कैटलिस्ट, और सबको पता है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, तो लास्ट में क्या हो गया, वो HSO4- क्या किया, H+ को बाहर निकाल लिया, ठीक है। चलो देखो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो प्रोपीन, दिस वन प्रोपीन, यहाँ पे अब डाला हुआ है क्या, H2O H+ आयन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखो अब अपना क्या बनेगा, सबसे पहले कौन आएगा, H+ आयन, देखो जरा ये आगे H+ आयन आया क्या, CH3CH, अब एक ही स्टेप में डायरेक्ट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, H+ आयन आएगा। अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये उठ के इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे जाएगा, है ना, इस कार्बन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे उठ करके नहीं आ सकता,
बोलो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये कैसा ग्रुप होता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। याद ही कर लो कि जो भी एल्काइल ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, बोलो हाँ या ना। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, बोलो हाँ या ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और दो नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। ये कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं आ करके कहाँ पे जाएगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे आएगा तो ये CH2- और इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा? CH3+ चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा? CH+ और यहाँ पे अपना ये हो गया CH3, क्योंकि ये CH2- है ना, तो H+ उसके साथ चिपक जाएगा। अब यहाँ पे वाटर आएगा बेटा, यहाँ पे देखो वाटर, इसका अपना लोन पेयर वो क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर जाएगा? ये बन जाएगा अपना CH3, और यहाँ पे कौन चिपक जाएगा? इससे ऑक्सीजन चिपक जाएगा इस तरीके से। और इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और फाइनली लास्ट में H+ को बाहर निकाल दोगे। कौन निकालता था? HSO4-, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करके इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा ताकि न्यूट्रल है। तो ये प्रोडक्ट अपना बन गया CH3CHOH, और ये बन गया बेटा CH3। देखो ये प्रोडक्ट अपना बन गया, बहुत सिंपल है, बना लोगे क्या? सीख गए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब जरा देखो हम लोग इसकी बात करते हैं। अब मिटाता हूं मैं। दो बातें बेटा यहां पे याद रखोगे कि ये जो है ना फॉलो करता है किसको? मार्कोनी कॉफ रूल को फॉलो करता है। क्या बात समझ में आ रही है? किसको फॉलो करेगा? मार्कोनी कॉफ रूल को फॉलो करेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगी। एकदम याद रखोगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन अकर्स, इसको एकदम से याद रखोगे, लाख टके की बात है ये। क्या याद रखोगे कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या फॉलो करेगा? मार्कोनी कॉफ रूल फॉलो करता है, और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट करोगे, मींस एक्सपेंशन करोगे, मिथाइल शिफ्ट करोगे और हाइड्राइड शिफ्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा? फटाफट देखो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखोगे कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या होगा? मार्कोनी कॉफ रूल का फॉलो होता है, और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो बच्चे देखो, सबसे पहला जो मैं एप्लीकेशन करवा रहा हूँ, जो आपका स्कूल में पूछता है ना, स्कूल मतलब अगर स्कूल पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, अगर क्लास 12th में हो आप या फिर क्लास 11th में हो, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से जो रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है स्कूल में, है ना, उसको कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो सिंपल यहाँ पे है, बिल्कुल बेसिक से लेता और उतना करवा दूंगा कि उससे बाहर स्कूल वाले की औकात ही ना पूछने का, ठीक है। ये देखो H2O H+ यहाँ पे ले लिया, समझ जाओगे क्या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है? क्या है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। देखो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी तो नहीं करना, अरे कुछ भी तो नहीं करना। इससे आसान तो बिल्कुल मार्केट में अभी तक आया ही नहीं है, ऐसा सिंपल रिएक्शन अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है। देखो कुछ भी तो नहीं, बहुत ही आसान है, जरा देखो कुछ भी तो नहीं है इसमें। जरा देखो यहाँ पे H2O H+ आयन, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं। क्या जा रहा है अपना, ठीक है, अपना क्या जा रहा है इसमें? अपना तो कुछ भी तो नहीं जा रहा है ना। चलो CH3CH3CH CH2, और यहाँ पे अपने डाल दिया H2O H+। देखो बड़ा सिंपल है ना। तो जैसा यहाँ पे रिएक्शंस आ रहा है ना, तो बहुत टाइम हो जाता है, विद इन अ सेकेंड कैसे प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो आपने देखो क्या समझना है कि H2O का मतलब क्या? बोलो HOH ना, बोलो। इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर कैसा? प्लस, क्लियर है। अब जरा देखो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है,
जब सिमेट्रिकल एल्केन है, मार्कोनी कॉफ रूल याद होगा कि मार्कोनी कॉफ रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, और सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे पहचानोगे, तो डबल बॉन्ड से काटने के बाद अगर ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिकल एल्कीन। यहां से अगर कट कर दोगे तो देखो एक एक कार्बन बट गया ना, मतलब दो इक्वल हाफ में बट गया, मतलब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो कुछ नहीं करो, एक को एच जोड़ दो और दूसरे जगह पे क्या जोड़ दोगे, ओ एच जोड़ दोगे, तो ये प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा, अब जरा देखो, अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया तो यहां पे क्या यूज कर दोगे, मार्कोनी कॉफ रूल लगा दोगे, लिख दोगे नीचे मार्कोनी कॉफ रूल, अपना काम हो जाएगा। तो मार्कोनी कॉफ रूल में क्या बोलता है बताओ, क्या कहता है मार्कोनी कॉफ रूल, कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो जरा आंखें नु फाड़ के देखो कि यहां पे CH है और ये CH2 है, तो इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन कम कहां पे दिख रहा है बताओ, इस CH पे दिख रहा है ना, तो जो इसमें नेगेटिव वाला H2O में नेगेटिव वाला पार्ट कौन होता है, OH माइनस आयन होता है, क्या बोलो, तो OH माइनस आयन यहां पे लगा देंगे और H प्लस किसके साथ, इसके साथ चला जाएगा, तो ये प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3, ये बन गया CHOH और ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 बन गया। देखो यही प्रोडक्ट हो गया, प्रोपेन था, ये क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन हो गया। इस वाले में जरा देखो बेटा, ये भी देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोनी कॉफ रूल, और वाटर में क्या होता है बताओ, HOH होता है ना, OH वाला पार्ट माइनस और H वाला पार्ट क्या होता है, प्लस वाला पार्ट होता है, तो OH वाला पार्ट जो नेगेटिव वाला पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो इन दोनों में हाइड्रोजन कम का देखो, यहाँ तो दो है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो OH इसी के साथ लगा दो, बाकी सब क्या रहेगा, जैसा वैसा ही रहेगा। ये तुम्हारा बन गया OH, ये CH3 और CH2 किस में चेंज होगा, CH3 में चेंज हो गया। देखो यही बन गया। इस वाले में अगर देखोगे अगेन, यहाँ पे देखो मार्कोनी कॉफ रूल लगाओगे, अगेन दिस इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ से काटोगे तो देखो ये तो CH2 ग्रुप है ना, CH ग्रुप है, और यहाँ पे इसके साथ ग्रुप भी लगा है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मार्कोनी कॉफ रूल लगाओगे तो OH वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा बताओ, इसके इस कार्बन के पास जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बेटा कौन बनेगा, ये ग्रुप है, यहाँ पे लगा दिया OH और H इस कार्बन पे आएगा जो हम लोग नहीं दिखाते, अंडरस्टूड है, यहाँ पे लग गया, क्लियर है ना, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में। इसमें जरा देख लो, इसमें जरा देखो, यहाँ पे H OH माइनस है, कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोनी मार्कोनी मार्कोनी। मैंने बोला था ना कि एडिशन रिएक्शन कहीं पे भी आएगा भाई, या तो मार्कोनी का जलवा होता है, नहीं तो एंटी मार्कोनी का जलवा होता है। तो यहाँ पे किसका जलवा दिख रहा है बताओ, मार्कोनी का जलवा दिख रहा है ना, तो OH माइनस इसके साथ लगा दो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, ये हो गया अपना CH3, ये हो गया CHOH और ये हो गया अपना CH3 का फॉर्मेशन हो गया। देखो ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आप कहाँ पे बनाओगे, स्कूल के पेपर में, क्लियर कट। और अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना होगा कॉम्पिटिटिव का, मतलब JEE और नीट में, कैसे बिल्कुल JEE और नीट में कैसे झंडा गाड़ोगे भाई, अब हम लोग वही करने जा रहे हैं, है ना। तो इसका फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं कि JEE और नीट में कैसे झंडा गाड़ दोगे फटाफट। अब हम लोग वही 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 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मिटाऊ ना, तो क्लियर कट हो गया बेटा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्कूल के पेपर में आप कैसे बनाओगे, चुपचाप से मार्कोनी रूल लगा दोगे, ठीक है ना। तो मार्कोनी रूल में क्या कहता है कि OH वाला पार्ट, OH नेगेटिव वाला पार्ट होता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लेकर के जाना जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और H प्लस का ऑटोमेटिकली दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। अब हम लोग देखो एप्लीकेशन इसका करते कहाँ पे, JEE के लिए, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे देखो रेट ऑफ हाइड्रेशन या ईज ऑफ हाइड्रेशन अगर तुमसे पूछे ना कोई, ईज ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, मान लो कि तीन चार अल्कीन दे दिया तुमको, पूछेगा किस अल्कीन का हाइड्रेशन ईजिली होगा या फास्टर होगा, क्लियर है ना। तो बिल्कुल याद रखना कि जो ईज ऑफ हाइड्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, बिल्कुल ठीक है ना। अगर तुमसे पूछता है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन बताओ, इज ऑफ हाइड्रेशन, तो क्या करोगे,
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने आता है ना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कार मैकेनिज्म लिखोगे तो कार्बोकेटाइन बनता है ना। कार्बोकेटाइन बना करके देख लो, जैसे मान लो हमने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो H2O एच प्लस आयन दे दिया। एक हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब बताओ कहते कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, मतलब किस में हाइड्रेशन फास्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये फास्ट होगा क्योंकि इसमें देखो H प्लस आयन क्या बनाएगा बताओ, CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन बनाया ना 1 डिग्री, और यहाँ पे ये इसके पास जाएगा एच प्लस चिपकेगा इसके साथ में, ये क्या बना देगा CH3 CH प्लस CH3, ठीक है। देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाए, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, सो रेट ऑफ जो हाइड्रेशन है वो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से आप क्या करोगे, चेक कर लोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करने आता है तो उसका ईज ऑफ हाइड्रेशन बड़े आराम से निकाल लोगे, क्लियर है ना। इट क्लियर, ओके। कोई सा भी रिएक्शन आएगा बड़े आराम से बड़े प्यार से कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे किधर, कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल से ले लिया CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर सेम क्वेश्चन स्कूल में आ गया तो मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। OH को उठा करके इससे लगा देंगे, H को उठा के यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बट अगर कॉम्पिटिटिव में कैसे होगा, जरा देखो H प्लस आयन आएगा, सबसे पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूर ही भागेगा इससे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बना CH3 CH CH3, और ये हो गया अपना CH प्लस, और ये हो गया CH3। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, क्या करोगे यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, है ना। हाइड्राइड शिफ्ट क्या, एडजेसेंट कार्बन पे देखना है, 1-2 हाइड्राइड होता है, ऐसा नहीं कि दूर से देखना है, 1-2 एडजेसेंट। तो यहाँ पे ये जो H होगा ये H माइनस के फॉर्म में टूट करके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे H माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, बोलो हाँ या ना। अब H माइनस इसके साथ गया तो माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल हो गया, ये क्या बना देगा CH2, और ये बन गया CH3। अब यहाँ पे वाटर आएगा, समझ में आ रही बात, वाटर अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा बट्टे, बोलो, और तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये CH3, और यहाँ पे कौन चिपक जाएगा, OH2 प्लस, और ये अपना हो गया CH2 CH3, और फाइनली क्या करेंगे, माइनस H प्लस आयन कर देंगे बेटा, तो अपना प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 OH, ये CH3 बन गया, और ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। देखो यही तो खेला होना था यहाँ पे, यही तो खेला होना था, तो बन गया फटाफट, वो लोग फटोफट बन गया ना। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट करा के प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगा। JEE और नीट कम्प्लीट करना बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर तुम हार्ड वर्क हो, अगर मेहनत करते हो, हर रोज़ पढ़ाई करना, बट हर रोज़ पढ़ाई करना है, हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनने से बेटा कोई नहीं रोक पाएगा, बात समझ में आ रही ना, कोई भी नहीं रोक सकता। इसमें सुपर इंटेलिजेंट की ज़रूरत नहीं, तुम एवरेज स्टूडेंट हो ना, बोलो हाँ मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट, एंड डेफिनेटली तुम डॉक्टर बनोगे अगर तुम हार्ड वर्कर हो तो। यहाँ पर दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि को चेक नहीं करता NTA वाला, नीट और JEE मेन वाला तुम्हारी बुद्धि को चेक नहीं करता, क्या चेक करता, तुम कितना हार्ड वर्क हो। सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ के जाओ, पेपर में आएगा लिख करके आ जाओ, वहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अगर केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन में 40 प्लस क्वेश्चन ऐसे जो तुमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ और डायरेक्ट करा, बट अगर पढ़ के नहीं गया तो क्या पंखा देखोगे, वहाँ पे क्या देखोगे, रेडबुल ढूंढेगा, नहीं ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर डॉक्टर वगैरह बननी है ना तो प्रैक्टिस करो खूब सारा, उसको इतना कर दो ना, इतना कर दो उसको, इतना कर दो ना, मतलब ऐसे कर दो, बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल उसको रगड़ डालो, तभी जाकर के कुछ होने वाली है, ठीक है। सब कुछ अपना डेडिकेशन पे डिपेंड करता है बेटा, सबको डेडिकेशन, अगर डेडिकेशन है ना कोई नहीं रोक सकता तुमको, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी इस दुनिया में किसी की ताकत ही नहीं है कि तेरे को रोक दे।
ठीक है, बट दिमाग की जरूरत नहीं है, मेहनत करो। हार्डवर्क हमेशा जीतता है, इंटेलिजेंसी के ऊपर हमेशा हार्डवर्क क्या होता है, भारी पड़ जाता है, इसलिए हार्डवर्क करो। तुम कैसा भी बच्चा हो, एकदम जीरो लेवल बच्चा हो, फिर भी तुम डॉक्टर बन सकते हो अगर तुम मेहनत करते हो तो। ठीक है, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ले लिया अपना। देखो CH3 here CH3 here CH3 CH double bond CH2, H2O H प्लस आयन यहाँ पे डाला। देखो ये यहाँ पे आ गया, क्लियर है? बोलो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये H प्लस इससे चिपक गया, तो ये क्या बना अपना, देखो CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अगेन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एडजेसेंट पे है, तो क्या करोगे यहाँ पे, मिथाइल शिफ्ट करोगे। क्या करोगे, मिथाइल शिफ्ट करोगे। तो मिथाइल शिफ्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड तोड़ देंगे और यहाँ पे ये CH3- के फॉर्म में निकलेगा। कभी दिमाग में यह ना सोचना कि CH3+ के फॉर्म में निकलेगा, बात समझ में आ रही ना? क्योंकि देखो इस बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके निकलेगा ही, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। बात समझ में आ रही ना? देखो ऐसे दोस्त होता है ना, जैसे मान लो समोसा पार्टी करते हो, तो कई ऐसे फ्रेंड होते हैं ना, मान लो कि दो दोस्त में दो ही समोसा है, तो कोई ऐसे कमीनी दोस्त होते हैं कि जो अपना तो समोसा खाया ही, अपना फ्रेंड वाला भी खा गया, ठीक है, तो दूसरा वाला तो ऐसे रह गया ना, खाया नहीं, मतलब क्या, प्लस चार्ज, मतलब कमी, ठीक है। तो ये कभी भी CH3+ के फॉर्म में नहीं जाएगा, क्यों भाई, देखो भिखारी है प्लस, तो ये प्लस के बीच में जाएगा, लात मारेगा ना बिल्कुल, भाई तू कितने आ गया इधर, ठीक है। ये हमेशा किस फॉर्म में जाएगा, CH3- के फॉर्म में, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे ये CH3- के फॉर्म में क्या होगा, इसके पास चला जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि वो उसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3 इसके साथ में आ गया, देखो आ गया ना। अब देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, और 3 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा ना, मोर स्टेबल होता है भाई। अब यहाँ पे कौन होगा, वाटर अटैक करेगा, इसका लोन पेयर दे देगा इस गधे को, ठीक है, इसको दे देगा, ठीक है। और यहीं पे मैं दिखा दूँ, माइनस एच प्लस कर दो, ठीक है, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, CH3 OH here CH3 CH CH3, और ये अपना हो गया CH3। दिस इज द ब्यूटिफुल प्रोडक्ट ऑफ दिस, क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे एक बार दो बार लिख करके प्रैक्टिस करना, 100% आपको आ जाएगा, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्लियर है ना? अब देखो मिटाऊं इसको, राइट। देखो क्वेश्चन हम बहुत कुछ ले सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन ले ले, लेकिन वो मैटर नहीं करता कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आपको समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फिर वैसा 10 क्वेश्चन बना लोगे, बट अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे 10 की जगह पे 100 क्वेश्चन भी करवाऊँ, और फिर 101वां क्वेश्चन आएगा ना, तुम फिर भी फंस जाओगे। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो एक रिंग एक्सपेंशन वाला मैं करवाता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ठीक है। चलो बेटे इसमें देखो मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया, मैंने ये 5 मेंबर का एक रिंग ले लिया, हियर 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH double bond CH2, और यहाँ पे हमने दे दिया H2O, और ये दे दिया हमने H+ ion को दे दिया, क्लियर है ना? क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, है ना, कितने कितने प्रोडक्ट बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हाउ मेनी प्रोडक्ट, देखो पहला क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट। दूसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है बेटा? क्या पूछ सकता है बताओ, मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है इसका। स्कूल वाले में तो क्या करोगे, मार्कोनी कॉफ रूल लगा दोगे, नहीं, तो पहला प्रोडक्ट यही हो गया ना कि यहाँ पे मार्कोनी कॉफ रूल लगा दें, OH को यहाँ पे लगा दें, तो एक प्रोडक्ट देखो पहला सबसे आसान, दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा, ठीक है, जो आप स्कूल में बनाओगे, ये वाला सिंपल है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना, बोलो क्लियर है। पहला एक प्रोडक्ट ये बन गया ना, दूसरा देखो कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे H+ ion आया क्या, ये यहाँ पे गया क्या, बोलो हाँ जी, ये यहाँ पे गया। अब देखो ये हो गया CH+ और ये हो गया CH3, बोलो हाँ या ना बेटा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, बोलो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, बोलो हाँ जी दिख रहा है, तो आप क्या हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो, बोलो हाँ जी करवा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करवा सकते हो, हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो,
क्या करवा सकते हो, हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद बोलो यहाँ पे क्या हो गया, बोलो बोलो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 और इसके सॉरी 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 ये H इसके पास गया तो ये हो गया CH2 और यहाँ पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज आ गया मेरे भाई। बताओ अब ये 3 डिग्री में चेंज हो गया ना, बोलो हाँ या ना। अब OH- आयन बोलो यहाँ पे, OH- आयन बोलो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बन गया क्या, ये बन गया प्रोडक्ट CH2 CH3, है ना। तो दूसरा प्रोडक्ट अपना ये बन गया, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो तीसरा प्रोडक्ट क्या बनाओगे, रिंग एक्सपेंशन करोगे, क्योंकि देखो अपना कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, बोलो यही कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा, कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है अपना, CH+ CH3, यही कार्बोकेटाइन बन रहा था, बोलो। अब देखो क्या याद रखोगे कि अगर रिंग से सटे हुए कार्बन पे, रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये 5 मेंबर रिंग है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, कि 5 मेंबर रिंग किसमें चेंज होगा, 6 मेंबर रिंग में, 4 मेंबर रिंग किसमें चेंज होगा, 5 मेंबर रिंग में, बोलो हाँ या ना। बट अगर 6 मेंबर रिंग होगा तो 7वां में चेंज नहीं होता, क्योंकि छठी वाली रिंग ना सबसे ज्यादा स्टेबल वही होता है, बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो, इमेजिन करो ये बॉन्ड दिख रहा है क्या, ये बॉन्ड दिख रहा है ना, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करके ऐसे कर दो, इस बॉन्ड को तोड़ के ऐसे सटा दो ऐसे, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड को मैं तोड़ दूँगा ऐसे, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये CH CH3 और ये वाला जो बॉन्ड था ना अपने बेटा, ये वाला बॉन्ड इसी को तोड़ के हमने ऐसे लगा दिया, अब इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये कार्बन कहाँ पे आ गया, अब रिंग में आ गया ना, देखो नंबर 1 2 3 4 5 6, ये अब क्या हो गया बताओ, ये एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अगर ये कार्बन हो गया 1 कार्बन 2, तो कार्बन 1 पे एक CH3 ग्रुप है तो आप लगा दो यहाँ पे और इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखो अगेन ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे एक H दिख रहा होगा, इसको हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट, मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है, हमारे पास जगह की कमी है, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, दे रहा देखो। अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट जब हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ये अपना देखो क्या बन जाएगा, ये CH3 दिख रहा होगा CH3 और इसी पे आ जाएगा अपना क्या, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसी पे जाके OH जुड़ जाएगा बेटा, बताओ OH- आयन अब इसी पे जुड़ेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 OH, देखो दिख रहा होगा ना हमने कैसे कैसे बनाया, बिल्कुल ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट बेटा, ये क्या हो गया आपका, मेजर प्रोडक्ट। तो अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया कि मेजर प्रोडक्ट, तो ना ही ये होगा ना ही ये होगा, है ना, कौन सा होगा, ये वाला। अगर पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो बोलोगे 3, नंबर 1 नंबर 2 और ये हो गया आपका नंबर 3। जल्दी से इसको क्या करो, खींचो, लाइफ में बड़े काम आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, तो जल्दी से इसको खींचो, ठीक है, फिर हम कुछ और बातें करते हैं। अरे लिखिया संजोग रब ने, मिटा दो क्या जल्दी से, चलो ठीक है भाई। तो देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अगर फटाफट एक्सपेंशन करना है तो फटाफट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, क्लियर है ना। अब जरा देखो, अगर मैंने मान लिया कि मैंने 6 मेंबर रिंग ले लिया, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग ले लिया बेटा, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे H2O H+ आयन किया, क्लियर है, देखो यहाँ से ये गया, है ना, क्या बन जाएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन, क्या फॉर्म होगा मेरा, क्या फॉर्म होगा, CH+ और ये हो गया अपना बेटा CH3, यही हो गया ना। देखो अब ये 6 मेंबर रिंग है, इसका एक्सपेंशन तुम नहीं करा सकते, बिकॉज 6 मेंबर रिंग की ही स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो एक तो यहाँ पे OH अटैच करवा दोगे, एक OH मैं यहाँ पे अटैच करवा दूंगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा, जो कि तुम अपने स्कूल वाले पेपर में बना करके आओगे, क्लियर है। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट करवा देगी, ये हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे, है ना, एक्सपेंशन नहीं करवाओगे, सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट करा पाओगे, तो यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करोगे, यहाँ पे OH- आयन अटैक करेगा इसके ऊपर, ये प्रोडक्ट अपना बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया बेटा, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को,
हाइड्रेशन और पेल्किन की क्या धज्जियाँ उड़ा के रखोगे क्या? अगर धज्जियाँ उड़ा के रखोगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी तो आप ऐसी की तैसी बिल्कुल इसकी ना धज्जियाँ उड़ा के रखना है, ठीक है ना। फटाफट प्रोडक्ट इसका क्या करोगे बना करके, है ना, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो बिल्कुल उसके लिए तैयार बैठे हो, ठीक है मेरे भाई, कर लोगे ना बड़े आराम से। जैसा देखो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, घर से बनाना तुम लोग, घर पे प्रैक्टिस करोगे इसमें, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, एक्सपेंशन करवा देना फोर में, यहाँ पे पहले ऐसे जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो फिर फोर मेंबर रिंग किसमें चेंज हो जाएगा, फाइव मेंबर रिंग में, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क मैं दे देता हूँ, अगर बना लोगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ जी बना लिया मैंने, ठीक है। ये जरा देखो सी एच, यहाँ पे हमने सी एच थ्री लगा दिया और यहाँ पे एक और सी एच थ्री, इस तरीके से थोड़ा सा बल्की करने की कोशिश कर दिया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो मेथड आपने अभी सीखा है उसी तरीके से बड़े आराम से क्या करोगे बना सकते हो, क्लियर है ना। कुछ भी मैंने यहाँ पे कर दिया बड़े आराम से, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे भी देखो मान लो कोई एक सी एच थ्री ग्रुप लगा दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ठीक है ना। तो क्या बड़े आराम से बना लोगे ना, एच टू ओ एच प्लस आई एन, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे एक में लगा दिया सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच, यहाँ पे लगा दिया हमने ओ एच, यहाँ पे लगा दिया क्या सी, ठीक है सी एच थ्री डबल बॉन्ड, ऐसे देखो बड़ा ही अच्छा रिएक्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूँ मैं, है ना। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे एक हमने ले लिया सी, यहाँ पे ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। अब जरा देखो बहुत अच्छा रिएक्शन से ये देखो H प्लस आयन, ये सबसे पहले H प्लस आयन निकल करके यहाँ पे क्या बोलो, हाँ या ना, ये क्या बनेगा सी एच थ्री, बोलो जी, ये H हो जाएगा इसके साथ, तो ये तुम्हारा हो गया सी एच थ्री, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सी ओ एच और ये अपना हो गया सी एच थ्री, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन आपने, तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क, इसको क्या करोगे घर पे बैठ के ब्रेकफास्ट से पहले कर लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है मिटाता हूँ मैं इसको। अब देखो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जरा देखो स्टेबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में होता क्या है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्या होता है, चेंज होता है, बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो ये यहाँ पे गया एच प्लस, इसके साथ चिपक गया, ए आया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे कोई भी है ना, ये कार्बन थ्री डिग्री नहीं है, ठीक है, बट अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो ये यहाँ पे आएगा तो थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, बात समझ में आ रही ना। बट इसमें क्या करवाओगे, कोई भी हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखो इसको स्टेबिलिटी मिल रहा है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर है, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर बिल्कुल एडजेसेंट होता ना बेटा, तो वहाँ पे क्या रेजोनेंस हो जाता है, क्या बात समझ में आ रही है, क्या हो जाता है रेजोनेंस हो रहा है, और जिसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है वो उसको किसी कोई और स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता था थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन में इंडक्टिव इफेक्ट का मिलता था स्टेबिलिटी, नहीं, अगर देखो यहाँ पे H लेके गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, तो ये दो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, स्टेबल करेगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से। बट यहाँ पे क्या, अगर बताओ इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, रेजोनेंस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन उठ करके चला जाता है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, ठीक है ना। तो मालूम है कि अगर कोई कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबल है, अगर कोई कार्बोकेटाइन इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलाइज हो रहा है तो जीतेगा कौन, रेजोनेंस वाला, ठीक है। तो ऐसे केस में कभी भी गलती से भी अगर इसमें क्या करवा दोगे, शिफ्टिंग करा दोगे ना, तो गलत हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कोई अच्छा वाला ग्रुप लगा दे ऐसे करके, ठीक है ना, ओ सी एच थ्री वाला, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसलिए यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं करवाओगे, अब ओ एच माइनस आयन आएगा इस पर अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने वक्त ध्यान देना कि शिफ्टिंग कराने से पहले कोई ऐसा ग्रुप अगर उस कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है तो वहाँ पे कभी भी शिफ्टिंग नहीं करवाओगे, ठीक है बेटा। तो अपना ये था हाइड्रेशन और पेल्किन, ठीक है ना। सो
बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कवर करके रखना। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।